इंदौर में बुधवार दोपहर को राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान नई दिल्ली द्वारा इंदौर जिला पुलिस के साथ मिलकर मादक पदार्थों के दुष्परिणाम सहित रोकथाम के लिए डीआईजी कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर जिले में मादक पदार्थों के सेवन के चलते अधिकतम अपराध सामने आते हैं। इसी को लेकर इंदौर जिला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के सेवन पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान नई दिल्ली के साथ मिलकर मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान का कार्यक्रम रखा गया। ये मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के संबंध में आज की वर्कशॉप है, उसी में एक आर आर कैट जो संस्थान है उसके द्वारा एक ओरल कैंसर डिटेक्ट करने की एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, डेवलप की है उन्होंने, और उसमें बहुत सरल तरीके से सिर्फ फ़ोटो यूज़ से जो उनकी जो मशीन है वो उसमें एक फ़ोटो बेसिकली टिश्यूज़ पर डाली जाती है, एक लाइट डाली जाती है और उसके एनालिसिस से जो उसका एल्गोरिदम है उसके एनालिसिस से इसकी प्रोननेस का वो निर्धारण कर सकते हैं कि ओरल कैंसर होने की संभावना किन में है और किन में नहीं है। तो ये बहुत ही सरल सा एक चेकअप है जो अभी यहाँ इसका कैंप भी आयोजित किया गया है और उसमें कोई इन्वेसिव टेक्निक यानी कि कोई सैंपल लेना, कोई उसमें इंटेंसिव कोई यूज़ करना, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो बहुत सरल तरीके से ये डिटेक्शन हो सकता है कि जो लोग टोबैको यूज़र्स हैं उनमें ओरल कैंसर होने की क्या संभावना हो सकती है। ये हमें उम्मीद है कि एक डिटरेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि एक जो परीक्षण और अर्ली डिटेक्शन को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो बहुत सारे लोग जो टोबैको यूज़ कर रहे हैं वो इससे दूर होंगे। तो ये ओवरऑल हेल्थ को लेकर के भी हमारा कंसर्न है और इसमें जो मादक पदार्थों का यूज़ है उसको लेकर के भी और दूसरे सेशंस भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं अधिकारियों को मादक पदार्थों की पहचान और उनसे होने वाले दुष्परिणामों की सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई गई, ताकि अधिकारी उचित कार्रवाई कर सकें और आम जनता को मादक पदार्थों के बारे में जागरूक कर सकें।